नमस्कार, वर्ल्ड व्यू में आप सभी का स्वागत है। चीन ने बैठे ठाले एक खेला कर दिया है। चीन ने एक ऐसा सीमा भूमि कानून बनाया है जिसके तहत उनकी सेनाओं को यानी पीएलए को बहुत ज़्यादा अधिकार मिल जाएंगे, इतने कि अब चीन की सीमा के आसपास जो लोग रहते हैं चीन की तरफ वो, और साथ ही साथ वहाँ की ज़मीनें, उनका इस्तेमाल पीएलए अब सैन्य गतिविधियों में भी कर सकेगी। इस कानून की धारा 22 का अगर जिक्र करें तो इसके तहत कहा गया है कि चीन की सेना अब वहाँ पर रेगुलर ड्रिल्स यानी अभ्यास चला सकेगी। इसके अलावा सीमा पार से किसी भी तरह की उकसाने वाली कार्रवाई, अतिक्रमण की कार्रवाई का और मजबूती के साथ यानी वहाँ के लोगों को साथ लेकर मुकाबला किया जा सकेगा। फौरी तौर पर इसका भारत पर तो असर पड़ेगा ही, भूटान और नेपाल जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं उन पर भी इस कानून का असर पड़ेगा। भारत पर असर की बात करें तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव और गतिरोध बना हुआ है और आगे इसके और लंबा खींचने की संभावना बढ़ जाती है। बहरहाल, क्या है ये कानून, भारत के क्या सरोकार हैं इस कानून से जुड़े हुए, भूटान और नेपाल की क्या स्थिति है, इसके अलावा भारत सीमा पर इस तरह के विवाद के बढ़ने से किस तरह से निपट सकता है, मतलब बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारे फैक्ट्स और विश्लेषण साथ में होगा इस वीडियो में, तो इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। चलिए आज के सेशन का श्री गणेश करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि चीन के इस नए सीमा संबंधी कानून में है क्या क्या। इसके मुताबिक सीमा सुरक्षा में मजबूती के साथ वहां आर्थिक सामाजिक विकास किए जा सकेंगे। सीमाई क्षेत्रों को खोलने और बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाया जा सकेगा। सीमा के पास बसे लोगों को मदद देने के लिए अब और ज़्यादा कदम उठाए जा सकेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया है इस कानून के तहत कि देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता अटूट और अनुल्लंघनीय है, यानी जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। पड़ोसी देशों के साथ सीमा संबंधी मुद्दों को निपटाया जाएगा और सीमा संबंधित लंबित मुद्दों यानी पेंडिंग इश्यूज़ के समाधान के लिए वार्ताएँ की जाएंगी। अब ऊपर से तो देखने में लगता है कि ये सामान्य सी बातें हैं, लेकिन दरअसल तैयारी है सीमाई इलाकों में बसे लोगों को बरगलाने और नए लोगों को बसाने की, ताकि पड़ोसी देश के लिए इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई और मुश्किल हो जाए। दूसरा, संप्रभुता और अखंडता की दुहाई देकर दरअसल ये कहने की कोशिश की गई है कि जिन जिन क्षेत्रों में दावा है वहाँ वहाँ तक चीन एक है, यानी वन चाइना पॉलिसी का जिक्र किया गया है और इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तीसरा, बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और लंबित मुद्दों के समाधान की बात करें तो एक तो चीन पहले से ही सीमा से लगे इलाकों में धुआंधार सड़क, पुल और दूसरे निर्माण कर रहा है और भारत से हाल ही में जब 13वें दौर की कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी तो उस दौरान उसने लंबित तो छोड़िए यानी पेंडिंग इश्यूज तो छोड़ दीजिए, हॉट स्प्रिंग, डैम चोक और डैम सांग प्लेन्स के मौजूदा गतिरोध को सुलझाने के लिए भी वो तैयार नहीं हुआ था। आपको बता दें कि ये कानून उस देश में बना है जिसके ऑलरेडी 21 देशों के साथ सीमा विवाद है। हालांकि दावा ये किया जाता है कि 12 देशों के साथ वो अपने सीमा विवाद को पूरी तरह सुलझा चुका है। बहरहाल, ये कानून 1 जनवरी 2022 से यानी नए साल से लागू होगा और अब आगे है भारत की बात। इस कानून से जुड़े भारतीय सरोकारों की अगर बात की जाए तो इससे पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद और लंबा खिंच सकता है, क्योंकि चीन कानून के जरिए अपने सीमाई इलाकों में सैनिक गतिविधियां बढ़ाएगा
अपने सीमाई इलाकों में दबदबा बढ़ाने के लिए चीन अब नए मोर्चे भी खोल सकता है। दोनों देशों में सीमा पर पिछले करीब 1.5 साल से तनाव और गतिरोध बना हुआ है। साथ ही LAC पर अब तक हुए समझौते को पूरी तरह लागू किया जाना भी बाकी है। ऐसे में ये कानून इस प्रक्रिया यानी इस प्रोसेस पर असर डाल सकता है और नया विवाद पैदा किया जा सकेगा चीन की तरफ से। इससे ये संभावना और बलवती यानी मजबूत हो जाती है कि चीन के सैनिक भारतीय सीमा के पास लंबे समय तक टिके रहने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसी आशंका हाल ही में सेना प्रमुख M. नरवणे भी जाहिर कर चुके हैं। सीमा के उस पार अब भी चीन की सेना यानी PLA अर्थात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने हजारों सैनिक तैनात किए हुए हैं और उसने कई नए मिलिट्री बेस यानी सैन्य ठिकाने भी तैयार कर लिए हैं। भारत LAC यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल अर्थात वास्तविक नियंत्रण रेखा को 3488 किलोमीटर की मानता है, लेकिन चीन इसके सिर्फ 2000 किलोमीटर को ही सीमा रेखा मानता है। यहां तक कि तिब्बत पर अवैध कब्जा करने के बाद से वो 890 किलोमीटर की उस मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता जो तिब्बत और ब्रिटेन के बीच 1914 में तय हुई थी। भारत के लिए चीन चिंता का विषय बन चुका है। क्यों? सीमाएं मानना नहीं, सीमा के आसपास उकसावे वाली सैन्य गतिविधियां चलाना, सीमा लांघने की कोशिश करना, बातचीत के नाम पर खाली ढोंग करना और अब ये नया कानून जिससे चीन की सेनाओं को बेहिसाब ताकत अधिकार मिल जाएंगे। अब आगे करेंगे नेपाल और भूटान की बात। भूटान के साथ चीन का करीब 400 किलोमीटर की सीमा पर विवाद है। हाल ही में उसने सीमा विवाद हल करने के लिए भूटान से एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी किया है, लेकिन कूटनीतिक क्षेत्रों में इसे संदेह की नज़र से देखा जा रहा है, क्योंकि संभव है कि चीन डोकलाम को हथियाने का कुचक्र रच रहा हो जो एक रणनीतिक रूप से भारत के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है। नेपाल में हाल ही में हुमला में चीन के बाड़ लगाने की पुष्टि एक सरकारी रिपोर्ट में हुई है। इस घटनाक्रम के बाद से नेपाल में भी चीन के विरोध में प्रदर्शन हुए हैं। नेपाल के साथ चीन ये सब दोस्ती का नाटक करते हुए कर रहा है और नेपाल का कमज़ोर राजनीतिक नेतृत्व इसका विरोध नहीं कर पा रहा है। अब आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक संभावित डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ले लेते हैं। चीन में हाल ही में बनाए गए सीमा भूमि से संबंधित कानून का विस्तार से वर्णन कीजिए। इस कानून से जुड़ी भारतीय सरोकारों और चिंताओं का तथ्यों के साथ विश्लेषण करें। वैसे विकल्प आधारित कई प्रश्न बनते हैं, जैसे ये कि चीन का नया सीमा भूमि कानून कब से लागू होगा। तिथि इसमें दी हुई है 24 अक्टूबर, 24 नवंबर 2021, 1 जनवरी 2021 और 1 जनवरी 2022। ये हम बता चुके हैं पहले भी आपको डिस्क्रिप्शन में, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो। एक सवाल और बनता है कि हाल ही में भारत चीन कमांडर स्तर वार्ता का कौन सा चरण संपन्न हुआ है, पहला, 9वां, 13वां या दूसरा? तो आंसर है इसका 13वां चरण। दरअसल देखा जाए तो चीन की कोशिश ये है कि वो सीमाई इलाकों के आसपास फ्रंटियर विलेज बनाए, यानी ऐसे विलेज, ऐसे गांव, ऐसे इलाके जहां के लोगों की आड़ में या उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी पहली रक्षा पंक्ति को मजबूत किया जा सके। वीडियो के इस आखिरी चरण में अब इजाज़त की बारी है और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक किसी नए समसामयिक विषय के विश्लेषण के साथ। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।